विचारा जिंदाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरखी दादरी जिले के बाडड़ा उपमंडल का गांव है बडराई, और एक बिजली की लाइन, हाई वोल्टेज टावर, हाई वोल्टेज लाइन बबई से लेकर के भिवानी निकल रही है, और करीब करीब यहाँ के 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों के किसान और उनके खेत प्रभावित हुए हैं। बगैर किसानों को मुआवजा दिए, या ये कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं, लाखों रुपए की ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, एक एक किले का रेट है, बगैर किसी सहमति के, बगैर पूरा मुआवजा दिए, बगैर नुकसान की, मकान की, ट्यूबवेल की, बाग की, खेती की, उसकी भरपाई किए बगैर ज़ोर ज़बरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके खड्डे खोदे गए, यहाँ टावर लगाए गए, पुलिस के डंडे के सारे तार खींचे गए, और यहाँ के किसानों ने सारी जानकारी ली, यूनियन से भी बातचीत की, इन्होंने काम को बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद आज अगली रणनीति के लिए सरकार और प्रशासन को चेतावनी के लिए, और जो हमारी रणनीति है कि हमें ज़मीन जो टावर के अंदर आएगी 20-20 मीटर दोनों तरफ से, उसके अलावा बिजली के तार, हमारे फसल, बाग, ट्यूबवेल जो भी है, हमें मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा चाहिए। जब तक मार्केट रेट नहीं मिलेगा, यहाँ काम शुरू नहीं होगा। और एक पंचायत का प्रस्ताव आज यहाँ यूनियन की तरफ से आंदोलन की आगामी रणनीति के लिए रखा गया है कि एक विशाल किसान महापंचायत यहाँ बुलाई जाए, जिसमें तमाम हमारे सीनियर नेता भी शामिल रहेंगे, और आगे के आंदोलन की रणनीति उसी महापंचायत में बनेगी। और आज यहाँ प्रशासन और सरकार को, और आपके माध्यम से भी हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि मार्केट रेट के हिसाब से पूरा मुआवजा किसान लेगा, उसकी ज़मीन खराब हो रही है, उसके मकान खराब हो रहे हैं, उसकी खेती खराब हुई है, जब तक हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, तब तक बिजली की लाइन का काम जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, काम नहीं करने देंगे। कोई जोर ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी की तो जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरखी दादरी जिले के बाडड़ा उपमंडल का गांव है बडराई, और एक बिजली की लाइन, हाई वोल्टेज टावर, हाई वोल्टेज लाइन बबई से लेकर के भिवानी निकल रही है, और करीब करीब यहाँ के 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों के किसान और उनके खेत प्रभावित हुए हैं। बगैर किसानों को मुआवजा दिए, या ये कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं, लाखों रुपए की ज़मीन है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, एक एक किले का रेट है, बगैर किसी सहमति के, बगैर पूरा मुआवजा दिए, बगैर नुकसान की, मकान की, ट्यूबवेल की, बाग की, खेती की, उसकी भरपाई किए बगैर ज़ोर ज़बरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके खड्डे खोदे गए, यहाँ टावर लगाए गए, पुलिस के डंडे के सारे तार खींचे गए, और यहाँ के किसानों ने सारी जानकारी ली, यूनियन से भी बातचीत की, इन्होंने काम को बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद आज अगली रणनीति के लिए सरकार और प्रशासन को चेतावनी के लिए, और जो हमारी रणनीति है कि हमें ज़मीन जो टावर के अंदर आएगी 20-20 मीटर दोनों तरफ से, उसके अलावा बिजली के तार, हमारे फसल, बाग, ट्यूबवेल जो भी है, हमें मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा चाहिए। जब तक मार्केट रेट नहीं मिलेगा, यहाँ काम शुरू नहीं होगा। और एक पंचायत का प्रस्ताव आज यहाँ यूनियन की तरफ से आंदोलन की आगामी रणनीति के लिए रखा गया है कि एक विशाल किसान महापंचायत यहाँ बुलाई जाए, जिसमें तमाम हमारे सीनियर नेता भी शामिल रहेंगे, और आगे के आंदोलन की रणनीति उसी महापंचायत में बनेगी। और आज यहाँ प्रशासन और सरकार को, और आपके माध्यम से भी हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि मार्केट रेट के हिसाब से पूरा मुआवजा किसान लेगा, उसकी ज़मीन खराब हो रही है, उसके मकान खराब हो रहे हैं, उसकी खेती खराब हुई है, जब तक हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, तब तक बिजली की लाइन का काम जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, काम नहीं करने देंगे। कोई जोर ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी की तो जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी।